हेलो गाइस, तो आज की क्लास के अंदर हमारा टारगेट है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट थ्री। ठीक है, पार्ट वन और पार्ट टू में ऑलरेडी डिस्कस करा चुका हूँ, तो जिसने पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखा है वो पहले पार्ट वन और पार्ट टू देख लो, उसके बाद पार्ट थ्री करना, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट हम पार्ट वन और पार्ट टू के यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 क्या कहता है, फाइंड द वेट ऑफ CO2 फॉर्मड व्हेन 0.6 ग्राम कार्बन एंड 0.8 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर। चलो मैं रिएक्शन लिखता हूँ, अगर कार्बन और ऑक्सीजन को हम रिएक्ट कराएंगे तो वी विल गेट CO2, और आपसे बोल रहा है कि अगर 0.6 ग्राम कार्बन और 0.8 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो बताओ कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे। तो सबसे पहली बात तो देखो, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये लिमिटिंग रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है, लिमिटिंग रिएक्शन। जब भी हमारी कन्वर्जन 2 to 1 चलती है, क्या चलती है कन्वर्जन, 2 या फिर कहो many to 1। जब भी इस टाइप की कन्वर्जन चलती है कि बहुत सारी चीजें गिवन होती हैं और हमें एक चीज बतानी होती है, तब हमेशा क्या लगता है, लिमिटिंग रिएक्शन लगता है। ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है कि हमारी दो टाइप की कन्वर्जन चल सकती है, एक होती है 1 to 1 जो डायरेक्टली हो जाता है हमारा, और एक होता है many to 1 जिसके अंदर, इसके अंदर क्या लगता है हमारा, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, जहां क्वेश्चन के अंदर दो या दो से ज्यादा चीजें गिवन है और एक चीज आपको निकालनी है। क्लियर, जिसको लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट नहीं पता है वो मैंने एक वीडियो बना रखी है लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर, सीरीज ऑफ कॉन्सेप्ट हमारी प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको मिल जाएगी, वहां पर आप वो देख सकते हो। उसके अंदर लिमिटिंग रिएजेंट पूरे अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन करा है। ठीक है, फिलहाल यहां पर भी एक्सप्लेन करूंगा, पर 1 to 1 many to 1 क्या है, इन सब के बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन मैंने उस वीडियो के अंदर दिया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट के अंदर जाके वो वाली वीडियो भी देख सकते हो, वो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके, तो फिलहाल आप लोगों को समझ आ गया कि many to 1 टाइप की कहानी है, तो डेफिनेटली कौन सा कॉन्सेप्ट लगने वाला है, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगने वाला है। तो चलो थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं कि लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूं, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। तो ऐसा ऐसा पार्ट रिएक्शन का या ऐसा कंपोनेंट रिएक्शन का जो पहले खर्च हो जाए, विच कंज्यूम फर्स्ट, सिंपल है, लिमिट करता है रिएक्शन को, विच कंज्यूम फर्स्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या हो जाए, पहले खर्च हो जाए, उसी कंपोनेंट को या उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे सपोज एग्जांपल है ए और बी। ठीक है, ए बी का यूज करके क्या बन रहा है तुम्हारा, ए बी बन रहा है, तो एक ये है एक ये है आपके पास, सपोज इसका भी 10 ग्राम लिया, इसका भी 10 ग्राम लिया। ठीक है, सबसे पहली मिस्टेक ये मत करना कि सर ये सपोज इसका 5 ग्राम लेता हूँ, इसका 10 ग्राम लेता हूँ, तो डेफिनेटली तुम्हें लगेगा कि देख के ये लगेगा कि सर 5 ग्राम जल्दी खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये गलत हो जाएगा कि अगर तुम देख के साथ बोलोगे सर ये 5 ग्राम है, ये 10 ग्राम है, मतलब ये कम है, मतलब ये जल्दी खत्म होगा, मतलब ये एलआर होगा, तो ये गलत। ठीक है, ये अप्रोच नहीं होती एलआर निकालने की। एलआर निकालते कैसे है वही बताऊंगा अभी, फिलहाल समझो लिमिटिंग रिएक्शन क्या होता है, विच कंज्यूम फर्स्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो रिएक्शन के अंदर पहले खर्च हो जाए उस रिएजेंट को या उस कंपोनेंट को हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, इसको निकालने का एक रास्ता है, तरीका है, पूरा ट्रिक है, वो मैं सिखा रहा हूं तुम्हें, पर ऐसे नहीं बोलना कि जो कम होता है उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं, ये गलत है, आगे बात हमें ऐसे नहीं बोलना है। तो ठीक है, सपोज चलो दोनों को अभी मैं इक्वल देता हूँ, 10 ग्राम है 10 ग्राम है, तो जब रिएक्शन होगी तो इनमें से एक क्या होगा, कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। सपोज ए क्या, बी क्या हो गया, कंप्लीटली खत्म हो गया, तो कंप्लीटली अगर बी खत्म हो गया तो बी क्या हो जाएगा आपका, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, और ए का कुछ अमाउंट क्या रहेगा, बचा रहेगा, तो ए को हम बोलते हैं एक्सिस रिएजेंट। ईआर बताता है एक्सिस रिएजेंट को, मतलब जो एक्सिस में जो बचा रह गया, और एलआर बताता है लिमिटिंग रिएजेंट को। ठीक है, तो इन टाइप के क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले हमें लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करना होता है, उसको करते कैसे है उसके लिए मैं ट्रिक्स बता रहा हूं। इतनी बात समझ आ गई थी लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, देखते साथ कि जो कम है वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा ऐसा नहीं करना है, गलत हो जाएगा। ठीक है, और बाकी डिटेल में अगर आपको लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में जानना है तो आपको मैंने बता दिया, वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलो फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि लिमिटिंग रिएजेंट निकालते कैसे। लिमिटिंग रिएजेंट के निकालने के स्टेप्स हैं, देखो हाउ टू कैलकुलेट LR, that is limiting region, क्योंकि हमें limiting region की जरूरत है इन questions में, हमारा question बहुत आसानी से हो जाएगा जैसे हमें LR पता चलेगा। ठीक है, कैसे करना है, तो step one, पहले step में क्या करना है, convert the weight into moles। ठीक है, चलो step one में देता हूं, if moles are given, अगर moles given है तब तो no problem,
नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें डायरेक्ट स्टेप टू की तरफ बढ़ना है। ठीक है, अगर मोल्स गिवन है नो प्रॉब्लम, विल डायरेक्टली गो टू द स्टेप टू। कभी कभी क्या होता है, वेट गिवन होता है, इफ वेट आर गिवन देन इफ वेट इज गिवन, अगर वेट गिवन होगा तो क्या करेंगे उसको कन्वर्ट कन्वर्ट देम इनटू मोल्स, किसमें कन्वर्ट करेंगे, मोल में कन्वर्ट करेंगे। और ये ध्यान रखना है एक मॉलिक्यूल को लेके या एक मोल को लेके, ठीक है, एक मॉलिक्यूल को लेके हम जो भी वेट गिवन होगा डेफिनेटली उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, पहली स्टेप आगे बात समझ में, क्वेश्चन में तो मोल्स में गिवन होता है तब कोई प्रॉब्लम नहीं, तो डायरेक्टली हम सेकंड स्टेप टू की तरफ बढ़ेंगे। अगर वेट में गिवन होगा तो उसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, मोल में बाय वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल लेके या एक मोल लेके, अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, और स्टेप टू में क्या करेंगे, डिवाइड बाय कोफिशिएंट, किससे डिवाइड करना है हमने, जो उनका कोफिशिएंट होगा रिएक्शन के आगे जो कोफिशिएंट होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय कोफिशिएंट। ठीक है, और स्टेप थ्री में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों को या तीनों को, जितने भी गिवन होंगे आपके, एक दो होंगे, तीन होंगे, चार होंगे, जितने भी होंगे उनको कंपेयर करेंगे, विच इज स्मॉल, जो स्मॉल होगा, विच इज स्मॉल, जो हमारे स्मॉल होगा वो क्या होगा आपका एल आर, वही आपका होगा लिमिटिंग रीजन। कंपेयर करेंगे जो सबसे छोटा होगा, दो होंगे तो दो में, तीन होंगे तो तीन में, जो सबसे छोटा होगा वही क्या होगा लिमिटिंग रीजन होगा। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स हैं, एकदम ट्रिक्स है, यहाँ दिखने में आपको थोड़ी लंबी लग रही है पर आप कैलकुलेट करोगे तो बहुत छोटी लगेगी। ठीक है, अभी समझाऊंगा। एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप कैलकुलेट करोगे लिमिटिंग रीजन का, रिएक्शन शुड बैलेंस, रिएक्शन शुड बैलेंस, क्योंकि ये हमारी कहानी होती है स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस के अंदर आती है, और स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन का मतलब ये होता है कि रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, तो रिएक्शन जब बैलेंस होगी तभी तुम ये सब काम कर सकते हो, अगर बिना विदाउट बैलेंसिंग द रिएक्शन अगर तुम लिमिटिंग रीजन पहचानने जाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला बात इसका भी ध्यान रखना है कि रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए तभी हम एल आर को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड। मोल्स में गिवन होगा नो प्रॉब्लम, सेकंड स्टेप में जाएंगे कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, कंपेयर करेंगे जो छोटा होगा वो लिमिटिंग रीजन, वेट में गिवन होगा तो उसको पहले मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे। क्लियर हो गया? ओके, तो अभी क्वेश्चन करते हैं तो और अच्छे से आप लोगों को समझ आ जाएगा। ठीक है, और ये सब मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है आपको, फिर से बोल रहा हूँ, लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट वीडियो बना रखी है मैंने, उसमें आप लोग चेक करो, और भी बहुत सारी चीजें मैंने बताई है। ठीक है, ओके, जिसको लिमिटिंग रीजन अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, और जिसको जस्ट रिवाइज करना है तो रिवाइज करके काफी है जितना मैंने बता दिया आप लोग को, है ना। चलो, तो क्वेश्चन में आया था दोबारा, हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि कार्बन का 0.6 ग्राम लेंगे, ऑक्सीजन का 0.8 ग्राम लेंगे, तो बताओ CO2 कितना बनेगा। तो सबसे पहली बात देखो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, ये बोला रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, तो देखो CO2 टू गिव CO2 रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है, तो इसको करने से पहले एक चीज मुझे बताओ, ये तुम्हें निकालना है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं कि सपोज इसका 0.6 ग्राम लेंगे, इसका 0.8 ग्राम लेंगे, तो बताओ इसका कितना बनेगा, ये क्वेश्चन के अंदर पूछा है। ठीक है, तो पहले इन दोनों की कहानी, इन दोनों के बीच में क्या निकालना पड़ेगा, तुम्हें लिमिटिंग रीजन निकालना पड़ेगा, तब तुम्हें ये पता चलेगा। तो लिमिटिंग रीजन कैसे निकालोगे, तो देखो इसका इसका कितना दे रखा है एक मोल, और इसके आगे कितना दे रखा है दो मोल, ये दे रखा है, मतलब इस रिएक्शन को ऐसे भी कह सकते हो कि इसका एक मोल इसका दो मोल से इसका क्या बना रहा है एक मोल बना रहा है, मतलब जो CO2 है वो डिपेंड किसमें कर रही है, कार्बन में भी डिपेंड कर रही है, ऑक्सीजन में भी डिपेंड कर रही है, दोनों में डिपेंड कर रही है ना, इसी वजह से दोनों की क्वांटिटी दे रखी है, इसी वजह से हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पहले लिमिटिंग रीजन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो लिमिटिंग रीजन निकालते हैं, इसको अभी फिलहाल मिटा देते हैं, जनरल तरीका होगा रिएक्शन पढ़ने का, ये मैं पहले भी काफी बार आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, अब निकालते हैं लिमिटिंग रिएक्शन, तो देखो इसका 0.6 ग्राम है, मतलब वेट में गिवन है, तो वेट के लिए पहला स्टेप क्या था, स्टेप वन कन्वर्ट देम इनटू मोल, तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, इसके लिए वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, बता रहे आपको मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 12, याद है, सॉल्व कर लेते हैं इसको कितना आएगा, जीरो कट जाएगा, 6 1 जा और 6 2 जा, तो 1/20 आ गया, इसको सॉल्व कर लिया 1/20। सिमिलरली इसके मोल्स निकालेंगे, फर्स्ट स्टेप में इसका वेट कितना दे रखा है 0.8 और इसका मॉलिक्यूलर वेट, और एक मोल के लिए निकालना है, तो देखो यहाँ पर एक ही है नो प्रॉब्लम, एक मोल को ही लेके करना है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 16 + 16 = 32, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो 8 4 जो हो जाएगा, तो 1/40 आ गया, तो इसको सॉल्व करा हमने 1/20 आया, और इसको सॉल्व करा कितना है 1/40 आया, ये आ गया पहला स्टेप। स्टेप टू में क्या करना है, कोफिशिएंट से डिवाइड, तो देखो इसका एक कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं तो 1, और इसका भी कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 से डिवाइड करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 1/20 / 1
वन बाय फोर्टी डिवाइड बाय वन, तो ये कितना आएगा आपका वन बाय ट्वेंटी रहेगा, और ये कितना कितना रहेगा वन बाय फोर्टी ही रहेगा, कोफिशिएंट दोनों के वन वन थे, क्लियर हो गया। अब कंपेयर करो कौन छोटा है, तो देखो दिख ही गया होगा वो छोटा कौन है, न्यूमरेटर दोनों में सेम है, डिनोमिनेटर इसका बड़ा है, तो मतलब ओवरऑल वैल्यू भी क्या होगी छोटी होगी, तो ये क्या आपका लेस है। स्टेप थ्री में कंपेयर करना है हमने, ये लेस है मतलब यही क्या आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, मतलब हमें एक चीज पता चल गई जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन क्या है लिमिटिंग रिएजेंट। आगे बात समझ में, अब जैसे ही हमें पता चलता है कि ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है, जो पूरी की पूरी कहानी चलती है वो किसके अकॉर्डिंग चलती है, ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग चलती है, ये पूरी रिएक्शन किसमें बेस्ड होती है, उस लिमिटिंग रिएजेंट में बेस्ड होती है, तो पूरी रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग चलेगी ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग, मतलब यहां पर मेरा इस कार्बन का कोई भी रोल नहीं है, इस कार्बन को तुम कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें, ठीक है काटना नहीं है ऑल्दो, ठीक है काट मत, काट के मत आ जाना एग्जाम में, बस ये ध्यान रखना कि इसका कोई रोल नहीं है, पूरी का पूरा रोल किसका है ऑक्सीजन का है, ठीक है कैसे करेंगे अब ये देखते हैं, ठीक है इतने को बस ये सब काम करने के और पहचानने के लिए, अब इसको यूज करना ही नहीं है हमें क्वेश्चन के अंदर, ये केवल यूज होगा लिमिटिंग रिएजेंट पहचानने के लिए, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो इसको जरूरत नहीं है तो इसको दोबारा मिटा देता हूं मैं, ठीक है इसको मिटा देता हूं, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है, ठीक है इसको मैंने मिटा दिया, तो हमें पता चल गया कि ऑक्सीजन क्या है, आपका लिमिटिंग रिएजेंट है ऑक्सीजन। अब देखो इसका एक मोल है, मतलब इसको इसके साथ डायरेक्टली कंपेयर करना पड़ेगा, इसके एक मोल से इसका कितना मोल बन रहा है, एक मोल बन रहा है, ठीक है तो एक मोल का वेट जानते हैं, क्योंकि क्या निकालना है आपको वेट निकालना है, तो इस मोल को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वेट में कन्वर्ट करना मैंने फर्स्ट पार्ट में बताई दिया, और जानते हो तुम एक मोल का वेट किसके बराबर होता है, उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर, यस तो इसका वेट कितना हो जाएगा, एक मोल का वेट कितना होगा 32 ग्राम, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 44, यहां भी एक मोल है तो एक मोल का कितना होगा 44 ग्राम, मतलब तुम कह सकते हो कि एक मोल ऑक्सीजन से एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना, या फिर तुम ये भी कह सकते हो कि 32 ग्राम ऑक्सीजन से 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना, बात समझ आ गई, तो अगर 32 ग्राम से 44 ग्राम बन रहा है तो क्वेश्चन के अंदर ये कितना गिवन था 0.8 ग्राम, 0.8 ग्राम से कितना बनेगा x बनेगा, x मान लेते हैं, ये तो निकालना हमने और ये निकालना ऐसे क्या है, रेशियोज होता है वो क्या होता है इक्वल होता है, तो x की वैल्यू निकालो कितना आएगा 44 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 0.8 डिवाइड बाय 32, तो इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 35 पॉइंट समथिंग हो जाएगा 35.02 के अराउंड जाएगा डिवाइड बाय 32, ठीक है इतना जाएगा, सॉल्व करोगे कितना आएगा 32 1 पॉइंट समथिंग, तो आपका आंसर आ गया 1.1, तो आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा 1.1 का, क्लियर हो गया। तो देखो जैसे ही आपने एलआर निकाला काम कितना आसान हो गया, कि डायरेक्ट एक मोल का वेट 32 ग्राम से 44 ग्राम मिल रहा है, तो जीरो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0.8 ग्राम था, तो 0.8 से कितना बनेगा x बनेगा, रेशियोस इक्वल होते हैं फर्स्ट सेकंड पार्ट के अंदर मैंने बता रखा है आपको, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है तो ये लिमिटिंग रिएजेंट का मैंने कॉन्सेप्ट सिखा दिया आप लोगों को। अब जो जिनको लिमिटिंग रिएजेंट नहीं पता था जिन्होंने सीखा है, वो एक बार वीडियो पॉज करके बाकी क्वेश्चन से एक बार ट्राई कर सकते हो, तो बाकी सारे क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट पे ही बेस्ड है, ठीक है इस पार्ट से यहां से क्वेश्चन काफी बार बनते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट से क्वेश्चन काफी बनते हैं, तो वीडियो पॉज करके आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, कह रहे 10 ग्राम H2 एंड 64 ग्राम O2 फिल्ड इन अ वेसल, तो इस बार क्या क्या आपके पास H2 है एंड O2 है, और एक्सप्लोडेड अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस इन दिस सेक्शन, तो डेफिनेटली H2O बनेगा, तो कितना अमाउंट बनेगा आपसे पूछता है, ये कितना दे रहा है आपको 10 ग्राम, और ये कितना ग्राम दे रहा है आपको 64 ग्राम, ठीक है क्वेश्चन समझ आ गया, सेम टू सेम 10 ग्राम था ये 64 ग्राम था, आपसे पूछा है H2O कितना बनेगा। सबसे पहली बात क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखो H2O है बैलेंस है, इसको क्या कर देते हैं 2 लगा देते हैं, तो ये कितना हो गया 2H2 हो गया, तो रिएक्शन बैलेंस हो गया, ठीक है रिएक्शन तुम कैसे भी बैलेंस करो, इसको हाफ ऊपर करके भी करो आंसर सेम ही आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, कैसे भी रिएक्शन बैलेंस करो आंसर सेम आना है, ठीक है भाई इसको एक तरीका ये भी था बैलेंस करने का H2 प्लस हाफ O2 गिव H2, ये भी है दो तरीके हैं, तो सर इससे लगाएगा इससे लगाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, चाहे इसके थ्रू करो चाहे इसके थ्रू करो आंसर सेम आना है, ठीक है फिलहाल मैं इसके थ्रू कर रहा हूँ, तुम लोग अपने आप प्रैक्टिस के तौर पर इसके थ्रू करके देख लेना, तुम्हें आंसर सेम ही मिलेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कोफिशिएंट क्या पुट कर रहे हो इससे, बट रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, क्लियर हो गया ओके। अब देखो निकालना क्या है, 10 ग्राम H2 एंड 64 ग्राम O2 फिल्ड इन अ वेसल, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना आप लोग, यहां पूछिए आपसे अमाउंट, ठीक है अमाउंट का मतलब क्या हो सकता है, अमाउंट का मतलब वेट भी हो सकता है, अमाउंट का मतलब वॉल्यूम भी हो सकता है, भाई वेट भी अमाउंट है वॉल्यूम भी अमाउंट है, अमाउंट का मतलब क्या होता है मोल भी हो सकता है, तो आपको इन तीनों में से कुछ भी निकालने को कहा जा सकता है। अब क्या निकालोगे वो देखोगे ऑप्शंस में, तो ऑप्शंस में क्या गिवन है देखो मोल गिवन है, तो डेफिनेटली तुम्हें इस बार क्या निकालनी है मोल निकालनी है, बात समझ आ गई।
अगर क्वेश्चन में केवल अमाउंट बोला, अमाउंट का मतलब वेट भी होता है, वॉल्यूम भी होता है, मोल भी होता है, तीनों अमाउंट को नापने की यूनिट होती है, ग्राम, लीटर, मोल, समझ गए। तो क्या निकालेंगे वो क्वेश्चन में देख लो, क्वेश्चन में क्या है, मोल है तो इसलिए मोल निकालेंगे। ओके, तो ये चीज भी क्लियर हो गई। अब आते दोबारा क्वेश्चन में, तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा, फिर से देखो मैग्नीट्यूड वन कन्वर्जन है, दो को देख के एक निकालना है, तो मतलब पहले एलआर निकालना पड़ेगा। एलआर के लिए पहला स्टेप, स्टेप वन क्या था, स्टेप वन मोल्स में कन्वर्ट करना है, तो वेट कितना गिवन है, 10 डिवाइड बाय मोल्स। मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए देखो, अब ध्यान आएगा आप लोग को, मैंने लिखा था एक मॉलिक्यूल को लेना है, पर कितने मॉलिक्यूल है, H2 के दो, दो को नहीं कंसिडर करना है, पहले स्टेप में कितना कंसिडर करना है, एक, आई बात समझ में, जो है मैंने लिखा था पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का चेक करना है, तो एक का कितना होगा 2, क्लियर हो गया। तो 2 कितना जाएगा 5 जाए, तो कितना आ गया 5 आ गया फर्स्ट स्टेप में। सिमिलरली ऑप्शन का चेक करेंगे, ऑप्शन कितना आएगा 64 डिवाइड बाय, कितने से डिवाइड करेंगे, यहाँ तो एक ही मॉलिक्यूल है, नो प्रॉब्लम, तो डिवाइड बाय 32 कितना आएगा 2 जा, तो ये कितना आ गया आपका 2 आ गया, आई बात समझ में। स्टेप वन, स्टेप टू में क्या करना है, अब स्टेप टू में क्या करेंगे, कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, तो इसका 5 आ गया, इसका 2 आ गया, इसका कोफिशिएंट क्या है 2, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, और इसका कोफिशिएंट क्या है कुछ नहीं तो 1, 1 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 2.5 आएगा, ये 2 आएगा, आएगा। अब चेक कर लो स्टेप 3 में क्या करना है, हमें कंपेयर करना है इन दोनों को, कौन सा छोटा है, तो देखिए 2.5 और 2 कौन सा छोटा है, ये लेस है, तो मतलब ये क्या होगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा ऑक्सीजन है, दिस इज योर लिमिटिंग रिएजेंट। बात आगे समझ में, कैसे कैलकुलेट करना है, एकदम सिंपल है। तो ऑक्सीजन क्या होगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो अब बस, अब हाइड्रोजन को चेक ही नहीं करना हमने, हाइड्रोजन का कोई मतलब भी नहीं, और एक्चुअली इस पूरे स्टेप का कोई लेना देना नहीं है, इसको मिटा देंगे, इसको मिटा देंगे, इसका कोई लेना देना नहीं है हमारे से, बस हमने पहचानना था कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, हमने पहचान लिया। नाउ चेक करो, इसका एक मोल है, एक मोल से कितना मोल बन रहा है, 2 मोल बन रहा है, तो पहले वेट में निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि जो भी गिवन है हमें किसमें गिवन है, वेट में, तो पहले वेट में निकालेंगे, उसके बाद हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, मोल में कन्वर्ट करेंगे, एकदम सिंपल है। तो देखो है, एक मोल से कितना मोल बन रहा है, 2 मोल बन रहा है, तो एक मोल का मतलब कितना हुआ, एक मोल का वेट कितना हुआ, दैट इज 32 ग्राम, और H2O का एक मोल का वेट जानते हो तुम कितना होता है, 18 ग्राम, तो 2 मोल का कितना होगा 36 ग्राम, तो ये भी बोल सकते हो कि 32 ग्राम इसका 36 ग्राम दे रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, इसका 64 ग्राम है, तो इसका निकाल लेते हैं सबसे पहले वेट, x ग्राम मिलेगा, ये तो है 32 ग्राम 36 ग्राम दे रहा है, क्वेश्चन में कितना बोला है, अगर 64 ग्राम लेंगे तो 64 से x मिलेगा, इसको सॉल्व करते हैं कितना आएगा, x इक्वल टू 36 इंटू 64 डिवाइडेड बाय 32, तो जो हो जाएगा 12 3 6 72, तो वेट कितना आ गया 72 ग्राम H2O का मिलेगा, कितना मिलेगा H2O का 72 ग्राम, पर ध्यान से क्वेश्चन के अंदर किस में गिवन है, मोल में, तो नो प्रॉब्लम, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला लगा दो, क्या आएगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मोल, वेट कितना आ गया H2O का 72 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट जान तो कितना होता है 18 कितना हो जाएगा 4 जाए, तो 4 मोल, यस, तो आपका 4 मोल आपका आंसर हो जाएगा, और डायरेक्टली 4 मोल हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, एकदम सिंपल है, बस आपको एलआर निकालना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या, सॉरी क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन 23 बोल रहा है फाइंड द मोल ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस, मतलब FeOH होल थ्राइस, दैट इज फेरिक हाइड्रोक्साइड बताना है, व्हेन 1 मोल ऑफ Fe2H3 2 मोल H2N 3 मोल O2 इज यूज्ड इन अ गिवन रिएक्शन। ओके, रिएक्शन इस बार गिवन है ऑलरेडी, हमें बैलेंस रिएक्शन लिख देते हैं, Fe2H3 प्लस 6H2O प्लस 3O2, आपको क्या बनाना है, FeOH होल थ्राइस प्लस 6 सल्फर, ये आपके पास रिएक्शन है गिवन। आपको बोला जा रहा है कि अगर इसका एक मोल, इसका 2 मोल और इसका 3 मोल लेंगे, तो बताओ Fe6H को, चलो मैं ऊपर लिख देता हूँ वरना यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, आपको बताना है फेरिक हाइड्रोक्साइड कितना मोल मिलेगा। डेफिनेटली अगर ये मोल में कुछ नहीं बोल रहा है तो मोल गिवन है, फेरिक मोल, तो मोल में आपको आंसर निकालना है, क्लियर हो गया। अब देखो इसमें कैसे करेंगे स्टेप वन, तो स्टेप वन याद करो, इफ मोल इज गिवन देन नो प्रॉब्लम, ये था, तो देखो इस बार तो मोल ही गिवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो स्टेप वन में 1 2 3 डायरेक्टली पुट कर देंगे, ये था, इफ मोल इज गिवन देन नो प्रॉब्लम, तो इस बार मोल ही गिवन था, अभी तक जो हमने क्वेश्चन करे थे उसमें वेट गिवन था, इसलिए हमें इसको मोल में कन्वर्ट करना पड़ रहा था, क्लियर हो गया। तो अभी मोल है, स्टेप टू में क्या करना है, कोफिशिएंट से डिवाइड, तो इसका कोफिशिएंट देखो कितना है 2, तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये 2 को कैसे डिवाइड करेंगे, इसका कोफिशिएंट 6 है, ये 3 था मोल, 3 को कैसे डिवाइड करेंगे, इसका कोफिशिएंट क्या है 3 है, समझ गए, मोल को रख दिया इज इट इज, कोफिशिएंट से हमने डिवाइड कर दिया,
सॉल्व करा, स्टेप थ्री में क्या करना है, कंपेयर करना है। तो देख लो कितना आएगा, टू थ्री जा और कितना आएगा वन, तो ये वन बाई टू है, वन बाई थ्री है, ये कितना है वन है। तो देखो सबसे छोटा कौन है, दिखी रहा है तुम्हें सबसे छोटा कौन होगा, यही होगा सबसे छोटा भाई, वन बाई टू है, वन बाई थ्री है, वन है तो सबसे छोटा ये तो होगा ना, ये तो आप लोग को पता है ये सबसे छोटा है, सबसे लेस है, मतलब ये क्या होगा आपका लिमिटिंग रीजन होगा। तो मतलब इस केस में भी तुम्हारा क्या होगा, एच तुम्हारा एच टू इज द लिमिटिंग रीजन, ये तुम्हारा क्या होगा लिमिटिंग रीजेंट होगा। बात समझ आ गई, तो मतलब यहां पर इसका और इसका कोई रोल नहीं है, और इसका भी कोई रोल नहीं है, इसको भी हटा देते हैं, इसका भी कोई मतलब नहीं है, ये केवल हम एलआर निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हम ये यूज करते हैं। तो हमें पता चल गया हमारा लिमिटिंग रीजेंट कौन है, एच टू ओ है। तो अब चेक कर लो क्या है इसका, देखो इस बार मोल में बताना है तो डायरेक्टली मोल को कन्वर्ट करेंगे, इसको भी हटा देते हैं। तो देखो इसके साथ इसको कंपेयर करना पड़ेगा हमें, तो इसका छह मोल, इसका कितना मोल दे रहा है, चार मोल दे रहा है, ये तो इसका छह मोल, इसका चार मोल दे रहा है अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, और यही लिमिटिंग रिएजेंट है, तो लिमिटिंग रिएजेंट है तो इसका कितना मोल के लिए बोली गई थी, इसका ये था, इसका कितना लेंगे, एक मोल, इसका लेंगे दो मोल, इसका लेंगे तीन मोल। तो अगर इसका छह मोल, इसका चार मोल दे रहा है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका कितना मोल, दो मोल कितना देगा, एक्स देगा। सॉल्व कर लो, हो गया आंसर, देखो कितना सिंपल, फोर इंटू टू डिवाइड बाई सिक्स, तो कितना जाएगा, टू थ्री जा थ्री, वन जा थ्री, और टू थ्री जा थ्री, वन जा थ्री, और थ्री थ्री जाने, तो 1.3 मोल के अराउंड आंसर आ जाएगा। क्लियर है, थ्री वन जा थ्री और वन बचेगा टेन, थ्री थ्री जाने, यस, तो 1.33 के अराउंड आंसर तुम्हारा आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, एकदम सिंपल है, क्योंकि इस बार मोल में ही बनता, तो हमने कन्वर्ट तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। क्लियर, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन 24 बोल रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 लिबरेटेड व्हेन 14.6 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 14.6 ग्राम HCl। ठीक है, 14.6 ग्राम, सॉरी पहले रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, रिएक्शन क्या है, CaCO3 को किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, HCl के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, क्या बनता है, CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। CaCO3 प्लस HCl क्या बनाएगा आपका, CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, ये बैलेंस रिएक्शन होती है इसकी, जब कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करता है, बैलेंस कर लो, तो बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पर दो करने पड़ेंगे, क्योंकि दो क्लोरीन है, कैल्शियम बैलेंस हो गया, कार्बन एक, एक कार्बन बैलेंस है, टू थ्री थ्री, हाँ ऑक्सीजन भी बैलेंस है, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन भी बैलेंस, तो रिएक्शन हो गई बैलेंस, क्योंकि रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए सबसे पहली बार, तो रिएक्शन बैलेंस हो गई। आपसे बोल रहे हैं कि अगर 14.6 ग्राम, मतलब इसका 14.6 ग्राम लेंगे और इसका 14.6 ग्राम लेंगे, तब कितना CO2 लिबरेट होगा, और इस बार CO2 क्या बताना है आपको, वॉल्यूम बताना है, कितना CO2 लिबरेट होगा वॉल्यूम में बताना है। मैंने बोला था आपसे अमाउंट, बोला अमाउंट को कुछ भी बोल सकता है, अमाउंट चाहे तुम्हें वेट निकालना हो, चाहे तुम्हें मोल निकालना हो, चाहे तुम्हें वॉल्यूम निकालना हो, हर एक की स्ट्रेटेजी सेम रहेगी। ठीक है, हर एक की स्ट्रेटेजी सेम रहेगी, तो चलो करते हैं। तो सबसे पहले वही हमें 2:1 का कन्वर्जन है, तो हमें LR निकालना पड़ेगा, लिमिटिंग रीजन निकालना पड़ेगा। स्टेप वन क्या है, 14.6 डिवाइड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट, कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, तो ऐड कर दोगे तो कितना आएगा 100, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दिया, इसका 14.6 डिवाइड बाय दो को नहीं एक को लेके करेंगे, ये बता रहे थे पहले कितने को लेके करेंगे, एक को, तो इसका 35.5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 36.5 डिवाइड बाय 36.5, ये हो जाएगा। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। स्टेप टू, स्टेप वन समझ आया ना, वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट निकालना तो आप सभी को आता होगा, और एक मोल को लेके निकालना है। स्टेप टू, कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, वन ही है, तो वन से डिवाइड करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और इसका कोफिशिएंट कितना है, ये मोल इतना हो गया, इसका कोफिशिएंट कितना है, टू है, तो टू से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड बाय मतलब टू से डिवाइड करोगे तो यहाँ आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, 14.6 डिवाइड बाय 100, और कितना आएगा 14.6, इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा, 73 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास आ गया 14.6 डिवाइड बाय 100 है, 14.6 डिवाइड बाय 73 है। अब देखो इसको सॉल्व मत करना, कि सॉल्व करोगे फालतू में टाइम वेस्ट होगा, है तुम डायरेक्टली चेक कर सकते हो, न्यूमरेटर दोनों का सेम है, न्यूमरेटर दोनों का सेम है, तो डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर ज्यादा जिसका बड़ा होगा ओवरऑल वैल्यू उसकी छोटी होगी, डायरेक्ट लॉजिक, बात समझ लो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, न्यूमरेटर दोनों का सेम है, तो डिनोमिनेटर इसका बड़ा है, तो मतलब ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी, तो ये मतलब स्टेप थ्री के अंदर चेक कर सकते हैं, ये क्या होगा, लेस होगा, और इसलिए ये क्या होगा तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, मतलब दिस इज योर लिमिटिंग रिएजेंट, काम खत्म। जैसे ही पता चला
तो इसका कोई रोल नहीं है, ये सब हटा दो क्योंकि इसकी कोई जरूरत ही नहीं है हमें, ये हटा दिया हमने, ठीक है। हमें पता चल चुका है कि दिस इज योर लिमिटिंग रीजन कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसके साथ इसको चेक करो। तो देखो कितना है, ये एक मोल है, और ये कितना है, ये भी एक मोल है, कार्बन डाइऑक्साइड चेक करनी है, उसके आगे कुछ नहीं है तो वन मोल है। और एक मोल का वेट कितना होता है, दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, मतलब आपका मॉलिक्यूलर वेट कितना है सर कैल्शियम कार्बोनेट का, 100, मतलब इसका 100 ग्राम। और एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स, बता रहा है आपको पार्ट वन के अंदर। तो एक मोल का वॉल्यूम कितना, 22.4 लीटर, मतलब तुम ये भी कह सकते हो कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम यूज होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना वॉल्यूम निकलेगा, 22.4 लीटर्स बनेगा। सिंपल है, एक मोल है और ये भी एक मोल है, क्लियर। अब क्वेश्चन में बोल रहे हैं इसका कितना लेंगे, अगर 14.6 लेंगे तो बताओ कितना बनेगा, तो इसको एक्स मान लेते हैं, एक्स मिलेगा, बस सॉल्व कर लो कितना जाएगा, एक्स इक्वल टू 22.4 × 14.6 डिवाइड बाय कितना आ गया, 100 आया। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, तो 6 6 24 0 3 27.04 के अराउंड आ जाएगा डिवाइड बाय 100, कितना आ जाएगा, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो इतना आ गया। आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना आपके यहाँ डिवाइड बाय 100 करा, हो सकता है एक दो डिजिट का अंतर हो जाए, तो उससे घबरा मत जाना कि सबने गलत मल्टीप्लीकेशन कर दी है, मल्टीप्लीकेशन तो सबको आती है ना, तो अपने आप करो, ठीक है। 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3.27, और ये क्या आएगा, लीटर, क्योंकि ये भी किसमें, लीटर में, देखो ये ग्राम में, ये भी ग्राम में, ग्राम से ग्राम तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लीटर में, तो ये एक्स क्या आएगा, लीटर में ही आएगा, तो आंसर किसमें आएगा, लीटर में आ जाएगा, तो 3.27 लीटर केस, तो मैं आंसर दिख रहा है बी आंसर हो जाएगा, 3.27 लीटर। आगे बात समझ में, तो इस तरीके से हम इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, बहुत एकदम सिंपल है, ठीक है। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 25। ओके तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन 25 बोल रहा है, व्हाट मास ऑफ Al2O3 इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ 10 ग्राम एल्यूमिनियम एंड 19 ग्राम O3। मतलब एल्यूमिनियम लिया हमने एंड ओजोन लिया, तो तुम्हारा क्या बन रहा है, Al2O3 बन रहा है। तो सबसे पहले तो रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए 2 एल्यूमिनियम लग जाएगा, ठीक है, 2 एल्यूमिनियम लग जाएगा और O3 गिव्स Al2O3। और आपसे बोल रहा है 10 ग्राम, इसका हम 10 ग्राम यूज कर रहे हैं और इसका कितना ग्राम यूज कर रहे हैं, 19 ग्राम। तो अगर इसका 10 ग्राम इसका 19 ग्राम यूज करेंगे तो पहली बात है ये कितना बनेगा, आपसे इसका वेट पूछे, मास पूछे। और इसमें एक चीज और पूछिए, हाउ मच एक्सिस रीजन लेफ्ट, जो एक्सिस में रहेगा वो कितना बचा रहेगा। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था जो कंप्लीटली खर्च हो जाता है उसको हम लिमिटिंग रीजन बोलते हैं, विच कंज्यूम फर्स्ट, पहले भी कंज्यूम होता है, जो कंप्लीट खर्च हो जाता है रिएक्शन के अंदर उसको LR बोला जाता है, और जो बचा रहता है रिएक्शन के अंदर उसको हम ER, दैट इज एक्सिस रीजन बोलते हैं। तो इस बार आपको एक एडिशनल पार्ट दे दिया कि आपको कितना बचा रहेगा एक्सिस रीजन जो है वो भी बताना है, ठीक है। ओके तो पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, दैट इज इसका वेट निकालते हैं, उसके बाद हम ER के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए वही स्ट्रेटजी, फर्स्ट स्टेप मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि वेट गिवन है, तो वेट कितना है 10 डिवाइड बाय मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड, और एक मोल को लेके करना होता है, बता रहा है। तो कितना होता है एल्यूमिनियम का, 27, इतना करेंगे तो 10 डिवाइड बाय 27, और इसका कितना करेंगे, वेट गिवन 19 डिवाइड बाय ऑक्सीजन का होता है 16, तो 3 ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, 48। तो इसको सॉल्व करते हैं, मैं भी यहाँ अपने रेफ में सॉल्व कर देता हूँ कितना आएगा, इसको सॉल्व करके आएगा 0.37 और यह आएगा आपका 0.39, ठीक है, यह आया आपका 0.37, यह आया 0.39। फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 0.37 का डिवाइड बाय 2, और इसका क्या होगा, 0.39 डिवाइड बाय कोफिशिएंट क्या है इसका, ऊपर जो जाएगा। अब तुम्हें साफ साफ दिख ही रहा है, तो देखो इसको जब सॉल्व करोगे कितना आएगा, 0.135 के अराउंड आ जाएगा, ठीक है, और एक ना आएगा 0.39। तो देखो थर्ड स्टेप पे आपको कंपेयर करना है, तो यही आपको लेस दिख रहा है, तो यही आपका क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। पहली कहानी समझ आ गई, ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा, तो डेफिनेटली बचा हुआ क्या होगा हमारा, एक्सिस रिएजेंट होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें ER भी निकालना है, तो यहां पर मैंने ये भी मेंशन कर दिया कि दिस इज योर एक्सिस रिएजेंट, क्लियर। तो ये LR हो गया, ER हो गया। अब देखो, अब इसका कोई लेना देना नहीं है हमसे, हमने बस पहचान लिया कि LR कौन सा है, ER कौन सा है, तो इसको हटा देते हैं, इसको हमने हटा दिया, ठीक है, क्योंकि अब इसकी फिलहाल जरूरत नहीं है, ठीक। तो ये हमारा था LR, ये हमारा था LR एंड ये था हमारा ER, ये हमने कैलकुलेट कर लिया।
अब देखो इसके साथ इसको कंपेयर करना पड़ेगा, मतलब इसका दो मोल है और इसका कितना मोल है, इसका दो मोल से इसका क्या कितना बन रहा है, एक मोल बन रहा है, मतलब दो मोल का वेट निकाल सकते हो। दो मोल का वेट कितना होगा, 54 ग्राम, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट इनटू 227 को 200 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 54 ग्राम के क्रॉस इसका एक मोल का वेट कितना होगा, 48 प्लस 54 102 ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करता हूं अगर मैं तो 50 इसका हो जाएगा 54 और इसका हो जाएगा 48 प्लस 54 दैट इज 102, मतलब तुम कह सकते हो कि 54 ग्राम के क्रॉस 102 ग्राम बन रहा है। क्वेश्चन में कितना बोला है, क्वेश्चन में इसका कितना पूछा है, 10 ग्राम के क्रॉस कितना बनेगा, तो डेफिनेटली अगर ये एलआर है तो इसके अकॉर्डिंग रिएक्शन चलेगी, तो एक्स बनेगा। सॉल्व कर लो, एक्स कितना आएगा, 102 इंटू 10 डिवाइड बाय 54, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, मैं भी सॉल्व कर लेता हूं इसको, कितना आएगा, 102 इंटू 10 डिवाइड बाय 54 दैट इज 18.8 ग्राम, तो आपको आ गया 18.8 ग्राम, मतलब Al2O3 कितना बनेगा, इसका मास बनेगा आपका 18.8 ग्राम। क्लियर हो गया, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट पूछ रहा है कि कितना एक्सेस रिएजेंट बचा रहेगा। डेफिनेटली एल्यूमिनियम अगर लिमिटिंग रिएजेंट है तो मतलब चलो इस रिएक्शन को मैं दोबारा लिख देता हूँ, 2Al+O3 टू गिव Al2O3। एल्यूमिनियम तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट है और ये तुम्हारा एक्सेस रिएजेंट है, तो अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो पूरा का पूरा खर्च हो जाएगा, तो ये कुछ बचा रहेगा, कितना बचा रहेगा, तो उसको बताने से पहले हम देखते हैं कि खर्च कितना होगा। डायरेक्टली माइनस कर दोगे तो पता चल जाएगा, पहले देखो खर्च कितना होगा। तो देखो इसके दो मोल है, तो इस बार इसके साथ इसका कंपैरिजन चलेगा, तो दो मोल है और एक मोल है, तो दो मोल का वेट कितना है पता है आपको, 54 भाई 2 इनटू मॉलिक्यूलर वेट 54 ग्राम है, और इसका कितना है 48 ग्राम, मतलब अगर इसके 54 ग्राम को रिएक्शन कराने के लिए इसका कितना चाहिए, 48 ग्राम चाहिए, तो इसका कितना चाहिए, क्वेश्चन के अंदर है 10 ग्राम, 10 ग्राम के साथ कितना चाहिए होगा, एक्स ही होगा भाई, 54 के साथ अगर 48 ग्राम चाहिए, 10 के साथ कितना चाहिए होगा, एक्स ही होगा। इसको भी सॉल्व करो तो कितना आएगा, एक्स इज इक्वल्स टू 48 इंटू 10 डिवाइड बाय 54, इसको सॉल्व करते हैं कितना आएगा, 48 इंटू 10 डिवाइड बाय 54, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 8.88 ग्राम आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, 8.88 ग्राम आ जाएगा। देख लेता हूँ सही करा हमने कि नहीं, ठीक है सही है, तो 8.88 ग्राम आ जाएगा हमारा, मतलब अगर इसका 10 ग्राम लेंगे एल्यूमिनियम का, जब 10 ग्राम यूज हो रहा है तब ओजोन का कितना यूज हो रहा है, 8.8 ग्राम यूज हो रहा है। अब बता रहे आपको कितना लेफ्ट है, मतलब जो ईआर है कितना लेफ्ट होगा, ईआर लेफ्ट ये आपको निकालना है, एक्सेस रीजन लेफ्ट, तो देखो एक्सेस रीजन था कितना लिया था हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 19, पर यूज कितना हुआ, जब इसका 10 ग्राम यूज हुआ एल्यूमिनियम का, जब इसका 10 ग्राम यूज हुआ तब इसका कितना यूज हुआ, केवल 8.88 ग्राम यूज हुआ, ये तो रहा केवल 8.88 ग्राम यूज हुआ, इसके 10 की कॉरेस्पॉन्डिंग केवल 8.88 यूज हुआ, तो बचा कितना है क्या, तो 10.1 ग्राम, तो ये हुआ इसका आंसर कि 10.1 ग्राम क्या हो गया, एक्सेस रिएजेंट बचा रह गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम कितना बचा रहता है एक्सेस रिएजेंट वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बस आपको उसमें भी क्या एलआर का यूज करना है और देखना है कि जितना अमाउंट क्वेश्चन के अंदर गिवन है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितना जो ईआर है वो यूज हुआ है, तो जितना पता चल जाएगा यूज हुआ है तो जो क्वेश्चन के अंदर ईआर गिवन होगा उसमें से माइनस कर देंगे जितना यूज हुआ है, तो उतना बचा हुआ क्वांटिटी पता चल जाएगी। क्लियर हो गया, तो इस तरीके से हमें ईआर और एलआर के क्वेश्चंस करने हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे 5 क्वेश्चन, अब बात करते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस की। तो ये आ गया आपके नेक्स्ट 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन मैंने करा दिए आप लोग को, है ना। तो चलो क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। क्वेश्चन 26 कहते हैं, फाइंड द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ 12.5 ग्राम CaCO3 व्हिच ऑन हीटिंग गिव 2.24 लीटर CO2। ओके, मतलब आपके पास CaCO3 है जिसको हम हीट करते हैं तो मिलता है CaO+CO2, ये आप लोग को रिएक्शन पता ही है। इसका कितना लिया जा रहा है, 12.5 ग्राम ले रहे हैं और आपको ये कितना मिल रहा है, 2.24 लीटर मिल रहा है, तो आपको बताना है कितना प्योर होगा, ठीक है, परसेंटेज प्योरिटी आपको बतानी है। तो देखो सीधी सी बात है भाई, 12.5 ग्राम से अगर 2.24 लीटर मिल रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली पूरा का पूरा नहीं दे रहा होगा, पूरा का पूरा कन्वर्ट नहीं हो रहा है, या पूरा का पूरा सैंपल प्योर नहीं होगा, क्योंकि अगर इतने से इतना मिल रहा है, अगर बोली दिया है तो क्वेश्चन में तो कुछ बचता ही नहीं है करने को, समझ रही बात। तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ है कि जो सैंपल है वो प्योर इम्प्योर भी कह सकते हो, ऐसा नहीं कहूंगा मैं कि ऐसा नहीं होगा कभी भी कि हमेशा इम्प्योर होगा, हो सकता है कि पूरा का पूरा सैंपल प्योर हो, 100% प्योरिटी प्योर सैंपल हो, बात समझ लो, वो हमें कैलकुलेट करके पता चलेगा कि कैसे कि कितना प्योर है और कितना इम्प्योर है। तो उसके लिए सिंपल सी हमारी अप्रोच रहेगी,
तो देखो इसका कितना है एक मोल और इसका कितना है एक मोल, तो इन दोनों के बीच में कंपेरिजन है तो एक मोल से एक मोल बन रहा है। तो जरा सोचो एक मोल का वॉल्यूम कितना होगा, अगर वॉल्यूम बोलो तो 22.4 लीटर होगा और यहाँ पर एक मोल का वेट निकाल सकते हो तुम, कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होता है 100 ग्राम। मतलब तुम कहोगे कि अगर 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तब कैल्शियम कार्बोनेट कितना चाहिए होगा, 100 ग्राम चाहिए होगा। क्वेश्चन क्या हुआ, नहीं कितनी बन रही है 2.24 लीटर बन रही है, तो 2.24 लीटर के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना चाहिए होगा मुझे, एक्स चाहिए होगा, यही निकालोगे। तो निकाल लो सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे कितना आएगा 2.24 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इंटू 100 डिवाइड बाय 22.4, पॉइंट हट जाएगा, 2 जीरो नीचे जाएंगे पॉइंट हटेगा, 1 जीरो ऊपर आएगा, कितना आगे 10। मतलब 2.24 लीटर के अक्रॉस हमारा कैल्शियम कार्बोनेट कितना यूज हो रहा है, 10 ग्राम जब कैल्शियम कार्बोनेट यूज करोगे तब तुम्हें कितनी कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, 2.24 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। क्लियर हो गया इतना। अब देखो क्वेश्चन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट कितना, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट यूज करोगे एक्स की वैल्यू आई है तब तुम्हें क्या मिलेगी, 2.24 कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। अब क्वेश्चन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट कितना रहेगा, 12.5, पर एक्चुअल में कितनी यूज हो रही है, 10 ग्राम यूज हो रही है। सीधी सी बात है, जो एक्चुअल है वही तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड देगी, बाकी तो वेस्ट है। मतलब प्योरिटी कितनी है इसमें, प्योर CaCO3 कितना है, कितना था हमारा पास 12.5 था, उसमें से 10 माइनस कर दोगे, इम्प्योर तो हमें निकालना ही नहीं, हमने प्योर निकाल दिया। प्योर कितना आ गया हमारे पास 10 ग्राम, प्योर कितना आ गया हमारे पास 10 ग्राम। जो मैं पहले कैलकुलेट कर रहा था वो इम्प्योर के लिए कर रहा था, पर इम्प्योर की जरूरत नहीं है। तो प्योर आ गया मेरे पास 10 ग्राम, परसेंटेज बतानी है मुझे, परसेंटेज प्योरिटी कितनी होगी, 10 प्योर है, टोटल कितना था 12.5 इंटू 100 हो गया, सॉल्व कर लो कितना जाएगा, यह जाएगा 5 2 5 5 2 25 आ जाएगा 24 40 और 80, तो मतलब कितना आ गया 80% आ गया। यस, तो हमारा सैंपल कितना परसेंट प्योर होगा, हमारा 80% सैंपल प्योर होगा। आगे बात समझे, एक मोल के क्रॉस एक मोल का वेट 100 ग्राम के क्रॉस एक मोल मतलब 22.4 लीटर मिल रहा है। तो क्वेश्चन में बोला है कि अगर इसका 22.4 लीटर मिलेगा, ठीक है, तो अगर इसका 22.4 मिल रहा होगा तो एक्स कितना है, एक्स की वैल्यू क्या है 10 ग्राम आई, सॉरी बाय द वे एक्स को सॉल्व करके कितना आ रहा है 12.5 ग्राम आता, एक्स को सॉल्व करके कितना आ रहा है 12.5 ग्राम आता, मतलब तब हम कहते हैं ये सैंपल है वो 100% प्योर है ना। अगर 12.5 आता तो 100% ही होता, पर यहाँ पर 10 है तो कितना प्योर होगा, 10 डिवाइड बाय सैंपल कितना था 12.5 × 100, मजा आ गया। ओके, तो इस तरीके से हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है अ मिक्सचर ऑफ CaCl2 एंड NaCl का मिक्सचर है वेइंग 4.4 ग्राम, इस पूरे का वेट कितना है 4.44 ग्राम है इस पूरे मिक्सचर का, इस टाइट्रेट विद सोडियम कार्बोनेट के साथ इसको टाइट्रेट करना है, गिव्स प्रेसिपिटेट ऑफ ऑल कैल्शियम आयन एज कैल्शियम कार्बोनेट, क्या दे रहा है तुम्हें, कैल्शियम कार्बोनेट दे रहा है। सोडियम कार्बोनेट के साथ इसको टाइट्रेट करोगे तुम्हें कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, अनगिव कैल्शियम कार्बोनेट इट गिव, कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे हम हीट कर रहे हैं तो तुम जानते हो क्या मिलता है, CO2 मिलता है एंड इट गिव 0.56 ग्राम, CO का कितना दे रहा है 0.56 ग्राम दे रहा है। आपको बताना था परसेंटेज ऑफ NaCl इन द मिक्सचर, NaCl का आपको क्या बताना है, परसेंटेज बताना है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन सबसे पहले हमें समझना है क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इन दोनों का मिक्सचर लिया है जिसका वेट कितना है 4.44 ग्राम है, इसको हम टाइट्रेट कर रहे हैं किसका, सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है, जिसको हम फर्दर हीट करेंगे तो डेफिनेटली कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, और जो कैल्शियम ऑक्साइड का वेट है वो कितना होगा 0.5 ग्राम होगा। पहली बात समझ आई कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब सवाल ये है कि करेंगे कैसे, तो इस क्वेश्चन को देखो थोड़ा हमें रिवर्स तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे फाइनल चीज गिवन है और इनिशियल में, और तुम्हें बताना है इनिशियल का कितना परसेंटेज होगा इस मिक्सचर के अंदर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसको देखो कैल्शियम की कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम काम करेंगे, पूरा कैल्शियम की कॉरेस्पॉन्डिंग हम काम कर सकते हैं क्योंकि कैल्शियम सेम है, क्योंकि मैंने बताया था बैलेंस होना चाहिए। तो देखो यहां पर एक मोल कैल्शियम है, यहां पर भी एक मोल ही रहेगा और यहां पर भी एक मोल रहेगा, मतलब हम कैल्शियम की कॉरेस्पॉन्डिंग पूरा काम इजीली कर सकते हैं, बात समझ आई। तो हम काम अपना करेंगे किसके कॉरेस्पॉन्डिंग, कैल्शियम के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो देखो कैल्शियम के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हमें काम करना है तो यहां पर भी कैल्शियम ऑक्साइड है, यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट है, तो देखो ये कितना मोल है एक मोल, और यहां पर भी कितना मोल होगा एक मोल होगा, तो एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट का वेट कितना होता है 100 ग्राम, 100 ग्राम के कॉरेस्पॉन्डिंग कैल्शियम ऑक्साइड का वेट कितना होगा, कैल्शियम ऑक्साइड का निकाल सकते हो तुम, कैल्शियम का होता है 40 और ऑक्सीजन का होता है कितना
16 तो कितना हो जाएगा 56 ग्राम, मतलब 100 ग्राम के अक्रॉस कितनी कैल्शियम ऑक्साइड मिल रही है तुम्हें, 56 ग्राम मिल रही है अकॉर्डिंग टू बैलेंस रिएक्शन। पर बोला कितना है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर बोले तुम्हें फाइनल कैल्शियम ऑक्साइड कितनी मिल रही है, 0.5 ग्राम मिल रही है। तो अगर सोचो 0.5 मिलेगी उस टाइम कैल्शियम कार्बोनेट कितना रहा होगा, निकाल लेते हैं एक्स्ट्रा रहा होगा। आई बात सुनो, सिंपल स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन जो हमने सीखा, एक्स्ट्रा करते हैं कितना आएगा, 0.5 इंटू 0.56 बोल रहे हैं इसको पूरे, ठीक है 0.56 बोल रहे हैं, तो 0.56 ग्राम कितना हो जाएगा, 0.56 इंटू 0.56 इंटू 100 डिवाइड बाय 56, तो कितना आ गया कड़िया 1 ग्राम। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1 ग्राम आ गई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1 ग्राम आ गई। मतलब अगर ये 0.56 बन रहा है एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो उस टाइम में कैल्शियम कार्बोनेट कितना चाहिए होगा, 1 ग्राम चाहिए होगा। अब देखो ये, इससे ये पता चलिए, इसका यूज करके CaCl2 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप इन दोनों के बीच में कंपेरिजन करो, मतलब CaCl2 से क्या है CaCO3 है, इन दोनों के बीच में कंपेरिजन कर लेते हैं, क्योंकि कैल्शियम सेम है, एक मोल यहां पर भी एक मोल यहां पर भी, तो इसलिए हम कैल्शियम को लेके कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखो इसका एक मोल है, एक मोल मतलब इसका भी एक मोल है, इसका भी एक मोल है, इसका एक मोल का वेट कितना होगा, कैल्शियम का 40 और क्लोरीन का हो गया आपका 71, तो मतलब 111 ग्राम के अक्रॉस कितना मिलेगा, एक मोल मतलब 100 ग्राम मिलेगा। और अभी हमने निकाला CaCO3 का कितना वेट है, 1 ग्राम, तो 1 ग्राम के अक्रॉस अगर ये 1 ग्राम मिल रहा होगा, तब कैल्शियम क्लोराइड कितना यूज करेंगे, CaCl2 एक्स करेंगे, तो एक्स को निकाल लेते हैं, तो एक्स कितना आएगा 1.11 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो एक्स आ गया 1.11 ग्राम। बात समझ आया, 0.56 का यूज करके, मतलब इसका यूज करके हमने पहले कैल्शियम कार्बोनेट निकाला जो कितना है 1 ग्राम, फिर हमने इन दोनों को कंपेयर करा, इसका 1 ग्राम यूज करके मैंने कैल्शियम क्लोराइड निकाल दिया, मेरा कितना आया X=1.1 ग्राम आया, ठीक है। अब जैसे ही मुझे पता चला, मतलब इस पूरे मिक्सचर के अंदर CaCl2 कितना है 1.11 ग्राम है, तो डेफिनेटली NaCl पता चल जाएगा आपको, क्लियर हो गया। अब इसको मिटा लेता हूं मैं, इसको हटा लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। तो हमें पता है कि CaCl2 कितना है 1.11 ग्राम है, तो NaCl कितना होगा, NaCl का वेट कितना होगा आपका, टोटल वेट कितना है 4.44 ग्राम माइनस CaCl2 का वेट कर दोगे, CaCl2 कितना आ गया 1.11 ग्राम आ गया, कितना बचा 3.33 ग्राम, मतलब NaCl का जो वेट होगा कितना होगा 3.33 ग्राम होगा इस मिक्सचर के अंदर। अब आपको इसका परसेंटेज पूछा, परसेंटेज कितना होगा 3.33 डिवाइड बाय टोटल 4.44 इंटू 100, बस अब इसको सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 11 3 और ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 75 के अंदर जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 75, तो आपका आंसर आएगा 75%, क्लियर होगी बात। तो एकदम सिंपल है, हम रिवर्स तरीके से चला, क्योंकि और हमने क्या लेना है, कैल्शियम लेना है। तो आप भी इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले उस एलिमेंट को पकड़ोगे जो सब में कांस्टेंट रह रहा है, जिसका मोल चेंज नहीं हो रहा है, उसके बेसिस में हम पूरा काम बहुत इजीली कर सकते हैं। ओके क्लियर होगी इतनी बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन 28 बोल रहे हैं हाउ मेनी आयंस पर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस इन द सॉल्यूशन व्हेन मोहर सॉल्ट इज डिसॉल्वड इन वाटर, ठीक है। सबसे पहली बात, मोहर सॉल्ट क्या होता है, जब मोहर सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करेंगे तब कितने आयंस मिलेंगे, ये आपका सीधा सीधा क्वेश्चन दे रखा है और ये आपसे बोला है कि करो इस क्वेश्चन को। सबसे पहली बात, मोहर सॉल्ट क्या होता है, तो मोहर सॉल्ट का मैं फॉर्मूला लिखता हूं, FeSO4 NS4 होल ट्वाइस SO4 .6S2, ये आपका मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला है। अब जैसे इसको पानी में डाला तो कौन कौन सा आयन देगा, तो देखो यहां पर Fe2+ आयन मिलेगा, यहां से सल्फेट आयन मिलेगा SO4 2- आयन, इससे दो लिखा है तो दो अमोनियम आयन मिलेंगे NS4 पॉजिटिव, सल्फेट आयन मिलेगा, सल्फेट ऑलरेडी मिला है तो उसको मैं दो लिख देता हूँ, एक यहां से मिलेगा एक यहां से, तो दो सल्फेट आयन मिलेगा और आपको 6 पानी का मॉलिक्यूल मिलेगा। तो जैसे इसको डिसॉल्व करोगे पानी में इतने सारी चीजें मिलेंगी, आपसे बोल रहा है कितने आयन मिलेंगे, तो आयन देख लो 2, 4 और 1, 5, ठीक है, प्लस 6 मत कर देना गलत हो जाएगा, 6, 5, 11, तो 11 देखो 11 भी ऑप्शन दे रखा है, क्योंकि दिस इज नॉट एन आयन, दिस इज अ मॉलिक्यूल, ये आपके पास क्या है मॉलिक्यूल, आपसे पूछ रहा है कितने आयन मिलेंगे, तो आयन ये हो गए 2,
ये दो चार और एक ये पांच, तो पांच आंसर में मिलेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा फाइव। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं। उसके लिए आपको सिंपल फॉर्मूला पता होना चाहिए उस सॉल्ट का। ठीक है, तो आप लोग नोट कर सकते हो मोर सॉल्ट का फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट भी है वैसे मोर सॉल्ट, तो ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 बोल रहा है व्हाट इज द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ कैल्शियम इन गिवन रिएक्शन। आपके पास रिएक्शन है Ca plus Al3 plus give Ca2 plus plus एल्यूमिनियम। इसके अंदर आपको कैल्शियम का कोफिशिएंट बताना है क्या होगा। तो देखो सीधी सी बात है, ऐसे तो नहीं बता पाओगे, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा दो हाफ रिएक्शन के अंदर। तो दो हाफ रिएक्शन के अंदर देखो क्या होगा, Ca से क्या बन रहा है आपको Ca2 plus मिल रहा है और दो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं यहां से, और एल्यूमिनियम को एक साथ करो तो Al3 plus में तीन इलेक्ट्रॉन आएंगे तो क्या बनेगा Al बनेगा, क्योंकि थ्री है तो थ्री इलेक्ट्रॉन आएंगे, दो ए है तो दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये इसको तुम कह सकते हो जनरल क्वेश्चन है, जनरल बैलेंसिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, अब है क्या फाइनल रिएक्शन के अंदर देखो इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे होंगे कैंसिल हो रहे होंगे। कैंसिल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्शन को देखो थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब थ्री टू सिक्स हो जाएगा, और इस रिएक्शन को टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि थ्री टू सिक्स हो जाए और इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। तो इसको थ्री से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे क्या आएगा, थ्री सी ए गिव्स थ्री सी ए टू प्लस प्लस सिक्स इलेक्ट्रॉन। इसको दो से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे कितना आएगा, टू ए थ्री प्लस प्लस सिक्स इलेक्ट्रॉन गिव्स टू ए आ जाएगा। तो देखो सिक्स इलेक्ट्रॉन से सिक्स इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए, इलेक्ट्रॉन कैंसिल, क्योंकि फाइनल रिएक्शन में हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं है, तो हमें मेन टारगेट वही है कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल कैसे करें। ठीक है, अब लिख दो थ्री सी ए प्लस टू ए थ्री प्लस गिव्स थ्री सी ए टू प्लस प्लस टू ए, तो ये आपकी रिएक्शन हो गई। तो देख लो कैल्शियम के लिए पूछ रहे हैं, कैल्शियम का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, थ्री है। व्हाट इज द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ कैल्शियम इन अ गिवन रिएक्शन, तो कैल्शियम क्या क्या लिखा हुआ है, थ्री है, तो थ्री आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ, क्वेश्चन नंबर 30 आपके पास, हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ वन मोलर H2SO4, H2SO4 का आपको क्या बनाना है, मिलीलीटर मतलब वॉल्यूम बताना है, इसकी मोलैरिटी देखिए आपको कितनी, वन मोलर इज रिक्वायर टू न्यूट्रलाइज 10 मिलीलीटर ऑफ वन मोलर NaOH। इसका वॉल्यूम दे रहा है आपको 10 मिलीलीटर और इसकी मोलैरिटी दे रखी आपको वन मोलर, आपको बताना है वॉल्यूम ऑफ H2SO4। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है मोलैरिटी पे बेस्ड। ठीक है, जो मोलैरिटी की स्टोरी है, मोलैरिटी के कॉन्सेप्ट है, वो मैंने आपको सॉल्यूशन क्वालिटी प्रॉपर्टीज वाला जो चैप्टर है उसके अंदर बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मोलैरिटी वगैरह पूरा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सॉल्यूशन क्वालिटी प्रॉपर्टीज की जो हमने हमारी वीडियो है आप उसको देख सकते हो, वहां पर मोलैरिटीज नॉर्मलिटी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगता है, यहाँ पर फॉर्मूला देखो ये है, क्या लग जाएगा, m1v1 upon n1 is equals to m2v2 upon N2। डायरेक्टली इस टाइप का फॉर्मूला का यूज करके हम इस टाइप के क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये कहां से आता है फॉर्मूला, ये सब मैंने सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर बताया है। ठीक है, तो यहां पर मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, केवल फॉर्मूला ध्यान रखो। तो M1V1 upon N1 is equal to M2V2 upon N2। तो M1 पता है हमें, V1 हमें निकालना है, M2 पता है, V2 निकालना है, बस आपका सब मेन टारगेट है N1 और N2 कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए रिएक्शन लिख दो, रिएक्शन लिखोगे H2SO4 NaOH क्या देगा Na2SO4 प्लस H2O, ये रिएक्शन होगी। एसिड प्लस बेस क्या देता है, सॉल्ट प्लस एसिड प्लस बेस क्या देगा, सॉल्ट प्लस वाटर, तो इसको बैलेंस करेंगे तो Na2 है तो 2 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, तो रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो देखो इसके मोल्स NaOH के कितने मोल्स आ गए, 2 आ गए, और H2SO4 के कितने मोल्स हैं, कितना लिखा है इसके आगे, कुछ नहीं, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया, 1 आ गए, यहां से हमें नंबर ऑफ मोल्स भी पता चल गया। तो अगर ये वाला पार्ट मेरा H2SO4 का है, ये वाला पार्ट मेरा NaOH का है, तो सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, M1 कितनी है 1, V1 हमें निकालना है, और N1 कितना है 1 इज इक्वल्स टू M2 कितना है 1, V2 कितना है 10, और N2 हमने निकाल लिया, NaOH के नंबर ऑफ मोल्स कितना है 2 है, इसको सॉल्व करते हैं V कितना आएगा 5, V इज इक्वल्स टू 5 मिलीलीटर, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 मिलीलीटर। यस, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 मिलीलीटर। ठीक है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, M1V1 upon N1 इज इक्वल्स टू M2V2 upon N2, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, तो रिएक्शन लिख के नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाते हैं। क्लियर हो गया, तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस पार्ट से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वाला, आपको बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए, क्योंकि इन सबका ये सारे कॉन्सेप्ट्स का यूज हम पूरे चैप्टर्स के अंदर बाकी चैप्टर्स के अंदर भी करते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करो,
नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।